नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बिंदी महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है और कहा जाता है कि जो महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं वे ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं बल्कि ऐसा करने से उनके पति दीर्घायु होते हैं और तरक्की भी करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसी बिंदी से आप अपने जीवन में खुशियों का दरवाजा भी खोल सकती हैं और जो चाहे वह पा सकती हैं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप गरीबी से परेशान हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं टिकता, तिजोरी हमेशा खाली रहती है, आपके घर परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिनके विवाह में बार बार अड़चनें आ जाती हैं या फिर जिनके विवाह होते होते रह जाते हैं और आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या फिर आपके घर परिवार में कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे में यदि आप बिंदी के कुछ विशेष उपाय कर लेती हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी और माता आदि शक्ति आपके और आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आखिर गुरुजी ने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदी एक विशेष जगह रखने के लिए क्यों कहा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है क्योंकि यह महीना उनके लिए बेहद ही शुभ होता है। अगर बात की जाए हिंदू धर्म की तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी का कहना है कि 16 श्रृंगार का हिंदू सभ्यता में एक अलग ही महत्व होता है। 16 श्रृंगार करना एक प्राचीन परंपरा होती है। पुराणों के अनुसार 16 श्रृंगार घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। 16 श्रृंगार का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। कहा जाता है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि भाग्य को भी बढ़ाता है। सिर्फ आध्यात्मिक नजरिए से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए 16 श्रृंगार के महत्व का जिक्र विज्ञान में भी किया गया है। अब चाहे वो मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पैरों में पायल और बिछिया ही क्यों ना हो, ऐसे में सुहाग की जितनी भी निशानियां होती हैं सभी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। जैसे कि लाल रंग का जोड़ा सुहाग का प्रतीक माना गया है। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है। ऐसे में दुल्हन शादी में जो भी जोड़ा पहनती है उसका रंग लाल ही होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है और विज्ञान के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली भी होता है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। ठीक उसी तरह महिलाओं के लिए माथे पर कुमकुम या बिंदी लगाना पुराणों में काफी शुभ माना गया है। कुमकुम या सिंदूर सुहागिन महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। बिंदी दोनों भावों के बीच माथे पर लगाया जाने वाला लाल कुमकुम का चक्र होता है जो महिला के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। यह महिला को आध्यात्मिक बने रहने में तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए मेहंदी की तो मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसके बिना सुहागिन स्त्री का श्रृंगार अधूरा ही रहता है। मान्यता यह भी है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी जितनी ज्यादा गाढ़ी रचती है उसका पति उसे उतना ही अधिक प्यार करता है। मेहंदी महिलाओं को तनाव से दूर रहने में सहायता करती है। साथ में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है और सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित भी करता है और माँ दुर्गा को मोगरे का गजरा बहुत प्रिय है। माना जाता है कि अगर घर की लड़की या महिलाएं इन फूलों को सिर में लगाएं तो घर में खुशहाली आती है। वहीं माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला मांग का टीका सिर के बीचों बीच इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे शादी के बाद महिलाओं की सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। महिलाएं अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काजल लगाती हैं। इसके अलावा काजल बुरी नज़र से भी आपको बचाए रखता है। इसी के साथ चांदी का कमरबंद ना केवल महिलाओं के सुहाग की निशानी होता है बल्कि इसे कमर में पहनने से महिलाओं को महावारी तथा गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से भी राहत मिलती है। इसके अलावा चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों की कलाइयां चूड़ियों से भरी होनी चाहिए।
वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों की खनखनाहट से महिलाओं की हड्डियां मजबूत रहती हैं, स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है, कानों के झुमके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है और झुमकी पहनने से माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। दोस्तों, पायल जहाँ पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है, वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल के स्वर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में विवाहित महिला पैरों के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बीच की तीन उंगलियों में चांदी का बिछुआ पहनती हैं। शादी में फेरों के वक्त यह रस्म इस बात का प्रतीक है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी और विवाहित स्त्री का सबसे खास और पवित्र गहना मंगल सूत्र ही माना जाता है। यह मंगल सूत्र विवाहित महिलाओं का रक्षा कवच और सुहाग और सौभाग्य की निशानी होती है। तो दोस्तों, यह तो था 16 श्रृंगार का महत्व जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया। इसके अलावा गुरुजी ने अपने भक्तों को बिंदी के कुछ विशेष उपाय भी बताए, जैसे कि गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए और अपने सुहाग की लगातार तरक्की के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं, तो उन्हें माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने ही संसार की समस्त स्त्रियों को सुहाग दिया था। ऐसे में अगर सोमवार वाले दिन या फिर सावन के मंगलवार वाले दिन आप माता पार्वती को 5, 7, 11 या 21 की संख्या में बिंदी अर्पित करती हैं, साथ में लाल सुहाग का सामान अर्पित करती हैं, तो माता पार्वती न केवल आपके सुहाग की रक्षा करती हैं, बल्कि आपके सुहाग की उन्नति के दरवाजे भी खोल देती हैं और आपके पति अपने जीवन में तरक्की करते रहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर कोई ऐसी कन्या है जिसका विवाह होते होते रह जाता है, तो ऐसे में अगर आप उस कन्या से माता पार्वती की पूजा कराती हैं और माता पार्वती को 5 बिंदी अर्पित करती हैं, तो लगातार 5 सोमवार या फिर 5 मंगलवार तक इस उपाय को करने से उस कन्या के विवाह के योग बनने लगते हैं। इसी के साथ नवरात्रि के दौरान या फिर किसी भी महीने की पूर्णिमा के दौरान अगर आप 9 कुमारी कन्याओं को 1-1 लाल चुनरी, मीठा प्रसाद, 1 बिंदी और कुछ दक्षिणा देती हैं, तो ऐसा करने से आपके घर परिवार पर माता की असीम कृपा बनी रहती है और आपके परिवार में आने वाले संकटों को माता दूर कर देती हैं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि महिलाओं की इस्तेमाल की जाने वाली बिंदी ना केवल उनकी सुहाग की निशानी होती है, बल्कि ये महिलाओं की किस्मत बदलने की ताकत भी रखती है। महिलाएं जब अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं तो उनका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। ऐसे में महिलाओं को ना केवल शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनी रहती हैं। ऐसे घर में सभी देवी देवता निवास करते हैं और सभी सदस्यों की उन्नति के रास्ते खोल देते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहती हैं तो महिलाओं को गुरुजी के बिंदी के उपाय जरूर करने चाहिए और जितना हो सके उतना शुभ दिनों में माता पार्वती का श्रृंगार जरूर करना चाहिए, उन्हें सुहाग अर्पित करना चाहिए। साथ ही सावन का महीना चल रहा है तो इस महीने में सुहागिन स्त्रियों को खुद भी 16 श्रृंगार करने चाहिए और खासकर अपनी बिंदी और सिंदूर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।